भगवान ईश्वर अल्लाह या गॉड पर विश्वास करने वाले लोगों का दावा है ईश्वर भगवान अल्लाह है, और इसका सबूत उस वक्त हमें मिलता है जब किसी पर यानी किसी इंसान पर भगवान सवार होते हैं। यानी गांव देहात में कभी कभार यह देखा जाता है किसी महिला या किसी पुरुष पर देवी देवता सवार होते हैं, उनके सिर भगवान आते हैं, और इसे साबित होता है कि ईश्वर अल्लाह गॉड है। मैंने भी अपने बचपन से आज तक ऐसे अनेक महिला या पुरुष देखे हैं जो दावा करते आए हैं कि उनके ऊपर देवी देवता आया करते हैं, और उस वक्त वो होश में नहीं रहते क्योंकि उस पर देवी देवता आते हैं और देवी देवता के अनुसार घर में पूजा पाठ किया जाता है। यानी ईश्वर देवता भगवान का वास्तव में अस्तित्व है और वो कभी कभार अपने भक्तों के शरीर में प्रवेश करके अपने अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। लेकिन आज आधुनिक मनोरोग चिकित्सा विज्ञान ने साबित कर दिया है किसी पे देवी देवता आना एक मनोरोग मानसिक रोग है, और इस तरह की मानसिक रोग का आधुनिक मनोरोग चिकित्सा विज्ञान द्वारा इलाज संभव है। आज आधुनिक मनोरोग चिकित्सा विज्ञान ने साबित कर दिया है अगर कोई दावा करता है कि उस पर कोई देवी आई है या देवता आया हुआ है, वास्तव में उस पर कोई देवी देवता नहीं बल्कि वो इंसान एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। हिस्टेरिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग से ग्रस्त है वो इंसान, लेकिन वो दावा करता है कि उस पे एक कोई देवी कोई देवता या भगवान आया हुआ है। दूसरी ओर आज भी हमारे गांव देहात में ऐसे अनेक लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन पर भगवान आया करते हैं, देवी आया करती है या देवता आया करते हैं, और जब उन पे भगवान या देवी देवता आते हैं तो उस दौरान वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसे अनेक ओझा तांत्रिक बाबा जी हैं जो दावा करते हैं कि उन पे देवी देवता या भगवान आया करते हैं, और जब देवी देवता भगवान उन पे सवार होते हैं तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके जीवन का हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, आपको किसी भी लाइलाज बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। इसीलिए आज भी हमारे गांव देहात में ओझा तांत्रिक बाबा जी अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जहां वे ये दावा करके बैठते हैं कि फलाना दिन फलाना तिथि को फलाना समय को कोई भगवान उस पर सवार होगा, देवी आएगी या देवता आएंगे, और उस दौरान आप यदि कोई बीमारी लेके उस ओझा तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो अपनी भगवान के द्वारा आपकी बीमारी से मुक्ति दिला सकता है। आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि आज भारत में ऐसे अनेक कानून है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है अलौकिक शक्ति दैवी शक्ति चमत्कारी शक्ति द्वारा किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी का इलाज करना कानूनन अपराध है। अगर कोई बाबा जी माता जी तांत्रिक ओझा यदि ये दावा करता है कि उस पे देवी देवता भगवान आया हुआ है तो वो एक नंबर का पाखंडी है या मानसिक रोगी है। इस तरह के लोग किसी भी तरह की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है। यदि इस तरह के ओझा तांत्रिक बाबा जी माता जी यदि दैवी शक्ति अलौकिक शक्ति द्वारा तंत्र मंत्र द्वारा या चमत्कार द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करता है तो कानूनन जेल और जुर्माना उन्हें हो सकता है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में स्पष्ट रूप से कहा गया है अगर कोई ओझा तांत्रिक बाबा जी यदि तंत्र मंत्र दैवी शक्ति अलौकिक शक्ति द्वारा किसी भी बीमारी की इलाज करता है तो उन्हें जेल और जुर्माना होगा। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है अगर कोई बाबा जी माता जी तांत्रिक यदि आपको इलाज के लिए कोई तावीज कवच मादुली या और कुछ देता है तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। कानून की नज़र में अगर कोई बाबा जी माता जी ओझा तांत्रिक तंत्र मंत्र दैवी शक्ति अलौकिक शक्ति चमत्कारी शक्ति द्वारा
यदि किसी भी बीमारी के इलाज करने का दावा करता है या इलाज करता है तो उन्हें जेल और जुर्माना होगा। ऐसे में अगर आपके गांव देहात में यदि कोई बाबा जी, माता जी, तांत्रिक, ओझा, यदि दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति, चमत्कारी शक्ति द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज कर रहा है या दुकान खोल कर रखा हुआ है तो उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाइए। अगर आपके घर, पड़ोसी या गांव में कोई इंसान ये दावा करता है कि उसके ऊपर देवी देवता भगवान आया करता है तो उन्हें यह समझाइए कि देवी देवता भगवान का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। आप यदि दावा करते हैं कि आप पे भगवान आया हुआ है, ईश्वर आया हुआ है, तो आप एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त है और आज आधुनिक मनोरोग चिकित्सा विज्ञान द्वारा आपका मानसिक रोग का इलाज हो सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप अपना इलाज करवाइए, लेकिन इस भूलभुलैया में मत रहिए कि आप पे कोई देवता आता है, देवी आती है या भगवान आया करता है। लेकिन आप अगर देवी देवता या भगवान आने के नाम पर किसी भी तरह की बीमारी के इलाज करने का ढोंग रचते हैं, दुकान खोलते हैं, पाखंडी धंधा करते हैं तो कानून आपको छोड़ेगी नहीं। हम युक्तिवादी, तर्कवादी या रसनिष्ठ का यह दावा है, चुनौती है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक कल्पना, अंधविश्वास और अफवाह है।